बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेशन में हम एलएलबी पार्ट टू की का जो अंग्रेज़ी का जो पेपर है उसकी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। मैं नज़म सॉरी वीडियो की शुरुआती हिस्से में उस कहानी का जो ब्रीफ समरी है वो आपके साथ मैं उर्दू में डिस्कस करूँगा, उसकी वजाहत करूँगा, ताकि इसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में बैठ जाएँ। और वीडियो के दूसरे पोर्शन में मैं आपके साथ जो है इसके जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो डिस्कस करूँगा। और इसके बाद जो वीडियो के लास्ट पोर्शन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद रखिए, उसमें मैं आपके लिए इसका जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है यानी इससे रिलेटेड स्टोरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है समरी की शक्ल में और थीम्स की शक्ल में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शक्ल में वो आपको रिटन फॉर्म में टाइप फॉर्म में आपको साथ मैं वहाँ आपको वहाँ पर स्क्रीन पर आपके साथ जो वन बाई लाइन टू लाइन जो है मैं उसका उर्दू ट्रांसलेशन आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम समरी का आगाज़ करते हैं। स्टोरी श्रेडिनवास्टर, इसका टाइटल अगर हम देखते हैं श्रेडिनवास्टर, तो हम ये देखते हैं कि ये वर्ड जो है ये हिंदवाना यानी जो एक मजहबी एक जो पहलू है एक उसकी तरफ जो है वो इशारा करता है, क्योंकि हिंदुओं में देवताएँ वगैरह और मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और इस तरह के जो देवता हैं उनके नाम वगैरह जो है वो रखे जाते हैं। इस कहानी का थोड़ा सा आगे जाके कुछ तनाजर जो है वो इस नाम से बनेगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो श्रेडिनवास्टर का माना कोई नहीं है, यहाँ पे अगर हम कहें तो ये एक नाम है श्रेडिनवास्टर और इसका कोई मीनिंग नहीं हो सकता। ताहम इसकी एक हिंदू एनोटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो हिंदुआना एक एनोटेशन है मजहबी हवाले से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस कहानी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो एक 10 साल का लड़का है कॉन्ड्रेंडन, नाम है कॉन्ड्रेंडन। ये 10 ईयर्स ओल्ड लड़का कॉन्ड्रेंडन जो है एक यतीम बच्चा है और वो अपनी एक कज़न जो कि उम्र में काफ़ी बड़ी है उससे, 40+ की होगी, मिसेस डी रोप, उसके पास रहता है। ये लड़का जो है एक तो यतीम है यानी इसके पेरेंट्स का यहाँ पर जिक्र नहीं मिलता, और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है अपनी एक कज़न पर जिसका नाम मिसेस डी रोप है। लड़के के मसाइल हैं कहानी में जा बजा इसके मसाइल जो है वो डिस्कस किए गए, मैं आपको वो मसाइल मैं भी आपको बताता हूँ। ये लड़का जो कॉन्ड्रेंडन है ये बीमार है, उसे एक अननोन डिज़ीज़ है। इवन एक प्रोफेशनल डॉक्टर ने भी उसके बारे में ये कह दिया है कि ये लड़का जो है 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, यानी उसकी जो मैक्सिमम एज है 5 साल और है। तो अब इस सूरत हाल में ये लड़का जो है एक तरस का तालब है, जारी बात है कि तवज्जो का तालब है लेकिन, और हमदर्दी का भी बल्कि तालब है, उसको मस्तैक भी है, लेकिन मिसेज डी रोप जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल नेचर की हैं, तबीयत की हैं, उनका मजाज बड़ा अथॉरिटेटिव है और बड़ी डोमिनेटिंग सी खातून है। तो वो उस बच्चे को प्रेशराइज़ करके रखती है यानी उसे दबा के रखती है, बजाय इसके कि उस बच्चे के साथ मोहब्बत करे, उसका हमदर्दी करे, उसके ऊपर तरस खाए, लेकिन उस बच्चे के ऊपर वो जा बजा उसने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा रखी हैं, पाबंदियाँ लगा रखी हैं उसकी फ्री मूवमेंट पे, उसके खाने पीने पे भी वो इतनी ज़्यादा केयरिंग नहीं है। बहरहाल मिसेस डी रोप जो है वो बच्चे को अपने पूरी तरह उसने कंट्रोल में लिया हुआ है। अब ये जो सूरत हाल है इससे बच्चा साइकोलॉजिकली और भी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब सा हो गया है और इस तरह वो बच्चा ये समझता है कि जिस तरह ये आंटी अपना माइंड मेरे ऊपर इम्पोज करती है, चलाती है, नाफज करती है, इस तरह तो मेरी ज़िंदगी और भी मुश्किल से दुचार हो जाएगी। बच्चा बहुत परेशान है, यानी एक तो वो बीमार है, दूसरी उसको एक बीमारी जो वो इनक्योरेबल सी है, एक ला इलाज मर्ज जो है वो उसे लाहक है, और तीसरा जो है वो मिसेज डी रोप जैसी एक जो एक स्ट्रिक्ट और इनफ्लेक्सिबल और अथॉरिटेटिव किस्म की औरत जो है वो उसके ऊपर क्या है तैनात है एज ए गार्डियन यानी एज ए सरपरस्त। सो ये सारे सूरत हाल हम ये देखते हैं कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी है, बच्चे के लिए टॉर्चरिंग भी है। अब कहानी का जो एक मेन जो प्लॉट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कहानी के अंदर एक वाक़ा ये भी दिखाया गया है कि जिस जगह पर ये मकान ये घर वाक़ है वो एक खुली जगह पर वाक़ है घर, और बड़ा खूबसूरत सा 2-3 मंजिला घर है जिसमें मिसेस डी रोप और ये और एक मुलाजमा मेड भी रहती है। उसके साथ ही एक प्लॉट है, उस प्लॉट में वहाँ पे एक शेड बना हुआ है यानी टूल शेड, एक पुराना खस्ता हाल टूल शेड है जिसमें कोई जैसे हम स्टोर में कुछ चीज़ें वगैरह रख लेते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें भी रखी गई हैं। इस टूल शेड में एक आयरन केज है, आयरन केज यानी लोहे का पिंजरा, उसमें एक न्योला समझते हैं वन ऑफ द एनिमल्स, एक न्योले की किस्म का
जो है वो एक जानवर जो है वो भी वहाँ पे रखा गया है, और दूसरा जो है एक हाउडन हैन यानी एक और मखलूक भी यहाँ पे यानी दिखाई गई है, वो ये है कि एक हाउडन हैन है यानी उसकी बैकग्राउंड है कि वो हाउडन इलाका है उससे वो नस्लन बिलोंग करती है। तो एक हाउडन हैन थी और एक जो है वो न्योले की किस्म का एक जानवर जो है वो वहाँ पे एक पिंजरे में मुकीम है। अब ये लड़का क्या करता है कि वो एक फ्रीक्वेंट विजिटर है इस टूल शेड का, यानी कसरत के साथ वो इस टूल शेड में जाता है और काफ़ी देर जो है वो अपने हाउडन हैन के साथ बातें करता रहता है, उनको फीड भी कराता है, और बल्कि वो जो पिंजरे में जो मुकीम वो जो न्योला है न्योले की किस्म का एक जानवर है उसके साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, मुंसलिक है और उसको देखता है। अब हम ये भी जानते हैं कि ये इस तरह के न्योले की किस्म के जो जो एनिमल्स होते हैं दे आर फिरोशियस इन नेचर, वो नेचर में फिरोशियस भी होते हैं, शक्लन भी को खूबसूरत नहीं है, शक्लन भी वो फिरोशियस नज़र आते हैं, अगली नज़र आते हैं, बदसूरत नज़र आते हैं, और वो फितरतन भी हम ये देखते हैं कि वो वार करने वाले होते हैं, अटैकिंग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, और यूं जो है ये लड़का उसके साथ भी वैसे किसी हद तक काफ़ी हद तक मुंसलिक है। अब मिसेस डीरो यानी जो उसकी आंटी है वो उसे उस टूल शेड में जाने से बारहा मना करती है, बल्कि उसने उसके ऊपर भी आस्ते आस्ते रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी, क्योंकि बच्चे को खेलने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए को वहाँ पर प्रॉपर जो है वो चूँकि मुतबादल उसके पास कुछ सोर्स नहीं है तो वो वहीं चला जाता है। लिहाजा मिसेज डी रोब जो है वो उस इस चीज़ को इसको उसके इस अमल को यानी उसके उस टूल शेड में रेगुलर बेसिस पे जाने के अमल को वो ऑब्जेक्शन की नज़र से देखती है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करती है, बल्कि उसके ऊपर वो पाबंदी लगा देती है। लेकिन लड़का जो है आँख चुरा कर आँख बचा कर जो है वो उस टूल शेड में जाता है। मिसेज डी रोब को एक दिन मौका मिला तो उसने उसकी जो हाउडन हैन थी उसको फरोख्त कर डाला यानी उसने उसको तलफ कर दिया, फारग कर दिया, और बच्चे के साथ उसने बड़ी अग्रेसिव जबान में बातचीत की। अब लड़के को एक और महरूमी का सामना करना पड़ गया यानी एक और डिप्रावेशन जो है उसके साथ बच्चे के साथ हो गई कि वो जिसके साथ उसका वक्त गुजारी का एक सिलसिला था वो भी एक थम गया। तो यूँ बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़े परेशान हो गया और उसे आंटी पे गुस्सा तो बहुत है यानी मिसेज डी रोप के ऊपर जो है वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ये उसके एक महरूमी जो है उसके और भी इस तरह उसके अंदर जो शामिल हो गई है। अब जो है उसे गुस्सा तो है लेकिन वो चूँकि खुद नहीं कर सकता, कुछ हेल्पलेस है, बेबस है। अच्छा, आंटी जो है उसे अक्सर चर्च में भी लेके जाती है, वो संडे के संडे चर्च में लेके जाती है, बट ई शोज नो इंटरेस्ट इन द चर्च सर्विसेज, वो जो चर्च की जो सर्विसेज हैं उसमें कोई इतनी दिलचस्पी भी नहीं दिखाता है, क्योंकि वो मिसेज डी रोप का जो उसका जो दोगलापन है, उसका जो डबल स्टैंडर्ड है वो उसको शक की निगाह से देखता है कि एक तरफ तो ये चर्च में आती है और चर्च की सर्विसेज करती है और दूसरी तरफ जो है मुझ जैसे मासूम पर इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं और मेरी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उसके जो जायज़ किस्म के जो कुछ शुगल हैं उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन रेज करती है। बल्कि लड़का जो है चूँकि इस आंटी से बदला लेना चाहता है और वो ख़ुद तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ कर सके आंटी के साथ, लेकिन ये है कि उसने वो जो न्योला है वो जहाँ पे जो आयरन केज में बंद होता है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो गया। उसने उसको एक गॉडली यानी गाहों से देखना शुरू कर दिया, उसके लिए वो ही एक गॉड सा बन गया है, क्योंकि वो ये समझता है कि सिर्फ ये न्योला ही यानी ये जो है यही उसके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्परेशन भी अब है और यही एक सोर्स है जो जिसके ज़रिए जो आंटी को जो वो सबक जो है आंटी डी रोप को वो सबक सिखा सकता है। लिहाजा वो अक्सर जो है वो अक्सर पिंजरे के सामने आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर काफ़ी देर तक एक स्पिरिचुअल मूड में एक स्पिरिचुअल कैफियत के साथ वहाँ पे खड़ा होता है और अक्सर जो है वो दिल में खामोशी दुआएँ भी करता है। उनमें जो दुआ बार बार वो उसके आती है वो ये है कि डू वन थिंग फॉर मी श्रेडिंग वास्टर, इसने उस न्योले को श्रेडिंग वास्टर का दर्जा दे रखा है जिसको हम एक देवता कह सकते हैं। तो उसको वो कहता है कि मेरे लिए एक काम कर दो श्रेडिंग वास्टर, वो आता है और फिर अपने कामों में बेचारा मशहूर रहता है सारा दिन, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है वो वहाँ ज़रूर जाता है और अपने साइलेंट प्रेयर्स जो है वो उसको बार बार जो है वो रिज्यूम करता है। मिसेज डी रोब को इस बात का फिर पता चला तो उसने फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट कर दी और एक बार अग्रेशन वाले मूड में आकर मिसेज डी रोब जो है वो उसको धमकी अमेज लहजे में कुछ बातें भी सुना के गई और फिर वो उस टूल शेड में चली गई। और आज मिसेज डी रोब का प्रोग्राम था कि
ये जो लड़के की दिलचस्पी का जो दूसरा बायस जो न्योला है इसको भी कहती है वो तलफ कर देगा। अब बच्चे को पता था कि मिसेज डी रोफ जो है वो टूल शेड में जा रही है और गई है, और बच्चा जो है वो बेचारा वहीं बैठा मजूसी के आलम में टेबल पे बेबसी के आंसू जो है वो रो रहा है, और उसके मन में यही बार बार ख्याल आता है कि डू वन थिंग फॉर मी श्रेनिवास्टर। अब इसका नतीजा ये निकला कि थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि उस टूल शेड से मेड की यानी वो जो घर की मुलाजमा है उसकी आवाज़ आई और कुछ लोगों की चीखो पुकार उसे सुनाई दी, और ये चीखो पुकार जो है वो ये तासुर दे रही थी, वो ये पैगाम दे रही थी कि मिसेस डी रोप के ऊपर वो जो श्रेनिवास्टर नामी न्योला है वो उसके ऊपर हमलावर हुआ है और उसने उसकी किलिंग कर दी है, उसने उसको मार दिया है। और बच्चा जो है वो भाग के वहाँ नहीं जाता सूरतहाल को देखने के लिए या आंट जो डी रोप है उसके साथ हमदर्दी जताने के लिए, बल्कि वो पहली बार अपने ज़िंदगी में कहानी के अंदर यह तासर मिलता है कि पहली बार उसे ये मौका मिला कि उसने बड़े ही एक इंजॉय करने वाले अंदाज में और बड़े ही एक ईज़ मूड में यानी एक बड़े खुशगवार मूड में उसने अपने जैम जो है वो अपने ब्रेड के ऊपर लगा कर जो है वो खाना शुरू कर दिया। और यूँ जो है उसकी जो ख्वाहिश थी उस बच्चे की मिसेस डी रोप से बदला लेने की वो उस श्रेनिवास्टर नामी न्योले ने पूरी कर दी। ये एक डिटेल्ड समरी होगी थोड़ी सी माजरत के साथ, लेकिन चूँकि इसके तमाम जो पहलू ही वो इम्पोर्टेंट थे तो इसके लिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो गया। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स वीडियो के दूसरे पोर्शन में जो रिटन फॉर्म है मैं आपको मटेरियल जो है उसको मैं लाइन बाय लाइन जो है उर्दू तर्जमे के साथ और फिर इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको उर्दू तर्जमे के साथ और इसका जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं यानी मिसेज डी रोप का करेक्टर और कंटेंडेंट का करेक्टर जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब इन इस शॉर्ट स्टोरी को श्रेनिवास्टर को हम इसके लाइन टू लाइन जो है इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके। द स्टोरी श्रेनिवास्टर इज़ अबाउट अ 10 ईयर्स बॉय, यानी ये कहानी जो है एक 10 साल लड़के के बारे में है नेम कॉन्टेंडन, जिसका नाम कॉन्टेंडन था। ही इज़ द यंगस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो कहानी का एक यंग प्रोटैगनिस्ट है, एक छोटा किरदार है और हीरो है कहानी का, जो मेजर करेक्टर याद रखे उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। He was an innocent boy, वो एक मासूम लड़का था, but he was suffering from some fatal disease, लेकिन वो किसी जानलेवा बीमारी में मुबतला था। ये मैंने आपको वीडियो के पहले पोर्शन में जब लेक्चर दे रहा था तब भी आपको बताया था कि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था और तक एक प्रोफेशनल डॉक्टर ने भी ये कहा था कि बच्चा 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। सो इवन अ प्रोफेशनल डॉक्टर हैड प्रेडिक्टेड, हत्ता के एक प्रोफेशनल डॉक्टर ने भी ये पेशेंट को की थी दैट द बॉय वुड नॉट लिव अनदर 5 ईयर्स, कि लड़का अगले 5 साल तक जिंदा नहीं रहेगा। नथिंग हैज़ बिन टोल्ड, कुछ भी नहीं बताया गया अबाउट द पेरेंट्स ऑफ कॉन्टेंडन, कॉन्टेंडन के वालदन के बारे में इन द स्टोरी कहानी में। अब ये लड़का डिपेंड करता है मिसेज डी रोप पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करें, मिसेज डी रोप पे वो डिपेंड करता है। मिसेज डी रोप जो है इसकी उम्र में एक बड़ी है, इसकी कज़न है, लेकिन इसके पास ही वो बेचारा रहता है। सो मिसेज डी रोप वॉज कॉन्टेंडन्स कज़न, मिसेज डी रोप जो है वो कॉन्टेंडन की कज़न थी एंड गार्डियन और उसकी सरपरस्ते आला थी। शी वॉज वेरी अथॉरिटेटिव, लेकिन मिसेज डी रोप जो है वो बड़ी बारूब किस्म की खातून थी, बड़ा रोप डालती थी, इनफ्लेक्सिबल गैर लचकदार थी एंड डोमिनेटिंग, और दूसरे पर गलबा पाने वाली यानी दूसरों के ऊपर दूसरों को काबू रखने वाली रूप में रखने वाली वो एक औरत थी। कॉन्टेंडन हेटेड हर डेस्परेटली, और कॉन्टेंडन जो है उसके साथ शिद्दत के साथ उससे नफरत करता था, एंड इट वाज ड्यू टू हर हार्श ट्रीटमेंट, और वजह उसका हार्श ट्रीटमेंट था। मिसेस डी रोप शुड हैव ट्रीटेड हिम, हालांकि बच्चे की बीमारी को देखते हुए मिसेस डी रोप को उसको उसके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। इसको ज़रा देखिए, मिसेस डी रोप शुड हैव ट्रीटेड हिम, मिसेस डी रोप को उसको ट्रीट करना चाहिए था विद अफेक्शन, मोहब्बत के साथ, कीपिंग इन व्यू हिज इलनेस, उसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि मिसेस डी रोप जो है उल्टा सख्ती करती थी। बट शी ऑलवेज ओप्रेस्ड हिम, लेकिन वो हमेशा उसके ऊपर उसे दबा के रखती थी। शी ऑलवेज इंटरप्टेड हिज एक्शंस, और वो उस बच्चे के कॉल ऑफ फेल के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शंस करती थी, मुदाखलत करती थी, एंड फ्री मोमेंट्स, और बच्चे की आज़ादाना जो हरकत और सकनात थी उस पर। कॉन्टेंडन डिड नॉट लाइक सच इंटरप्शंस, लेकिन कॉन्टेंडन को ये इंटरप्शन जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। देयर वॉज एन ओल्ड टूल शेड, और मैंने आपको बताया था कि इसके इस घर में जिस घर में ये रहते थे वहाँ पे उसके साथ ही वाले एरिया में एक टूल शेड बनाया हुआ था खाली जगह पे, जहाँ पे घास फूस भी थी, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी थी, पौधे भी थे, दरख्त भी थे, वहाँ पे एक टूल शेड था।
सो देर वॉज एन ओल्ड टूल शेड, वहाँ पे एक पुराना टूल शेड एडजेसेंट टू द हाउस, जो कि घर से मुरहका था, बिसाइड द गार्डन बाग के साथ. बट देर वर टू थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन फॉर कॉन्टेंडेंट इन द नेगलेक्टेड पोर्शन ऑफ द टूल शेड. लेकिन टूल शेड का वो जो नेगलेक्टेड पोर्शन था, वो हिस्सा जहाँ पे कभी कोई जाता नहीं है, उसे नेगलेक्ट किया हुआ था, उसे फरामोश किया हुआ था, उस हिस्से में दो चीज़ें कॉन्टेंडेंट के लिए अट्रैक्शन का बायस और इंटरेस्ट का बायस थी. आइए देखते हैं. इन वन कॉर्नर ऑफ द टूल शेड के एक हिस्से में लिव्ड ए रैग्ड प्लूमेज्ड हाउडन हैन. तो वहाँ पे क्याम पजीर थी एक सुर्ख कलगी वाली जो है ये हाउडन हैन. ये हाउडन हैन जो है ये इसकी एक ये इसकी जो हैन की एक जो एक तकसीम है या हैन की एक जो एक नस्ल है उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ किया गया हाउडन हैन. और रैग्ड प्लूमेज थी यानी मुराद है कि खुरदरी सी उसकी सुर्ख रंग की उसकी कलगी भी थी उस मुर्गी की. बिसाइड दिस के अलावा एक और चीज़ थी. एक तो ये मुर्गी थी हाउडन हैन और दूसरा ये अभी आपको मैं बताने लगा एक पोल कैट फेरेट था. ये न्योले की किस्म का एक जानवर है जो वहाँ पे दोनों ही क्याम पजीर थे. बिसाइड दिस के अलावा देर वॉज अ केज ऑफ ए लार्ज पोल कैरेट. एक बड़े साइज का पोल कैरेट फेरेट भी था. कोरिडन शोड मच अफेक्शन. कोरिडन बहुत शफकत और मोहब्बत रखता था फॉर द हैन मुर्गी के लिए. दो द फेरेट वॉज फिरोशियस. अगर ये फेरेट भी काफ़ी ज़्यादा फिरोशियस था, खूनखार था एंड ड्रेडफुल और खौफनाक था. येट ही बिगेन टू आइडलाइज द फेरेट. लेकिन फिर भी उसने फेरेट को आइडलाइज करना शुरू कर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटे. मैंने आपको कहानी का टाइटल जब बताया था तो उसके मैंने कहा था कि इसमें चूंकि एक न्योले को एक फेरेट को उसने आइडलाइज करना शुरू कर दिया है, उसे एक मुकदस गॉड का एक देवता का दर्जा देना शुरू कर दिया है. और यही एक हिंदुवाना एनोटेशन है कि जिसमें भी उनको थोड़ा सा एक शफकत का पहलू नज़र आता है या एक अटैचमेंट का पहलू नज़र आता है, वो उसको आइडलाइज कर देते हैं. तो इस तरह वो भी उस फेरेट को आइडियलाइज करना शुरू हो गया था. उसको खुदा का दर्जा देना, उसने देवता का दर्जा देना शुरू कर दिया था. यही वजह है कि कहानी का टाइटल जो है वो श्रेडिंग वास्टर है. नेक्स्ट देखें. ही वाज सो इम्प्रेस्ड. वो इतना ज़्यादा मुतासर था. ही वाज सो इम्प्रेस्ड. वो इतना ज़्यादा मुतासर था बाय द फेरेट, उस फेरेट से, दैट ही नेम द फेरेट एज श्रेडिंग वास्टर, कि उसने उसका नाम ही श्रेडिंग वास्टर रख दिया था. तो ये बेटे हमारा टाइटल है कहानी का, आप इसको गौर से देखिए. ही वॉज अ रेगुलर विजिटर. वो एक रेगुलर विजिटर था यानी बाकायदगी के साथ वो जाने वाला था ऑफ द टूल शेड की जानब. यानी वो टूल शेड को डेली बेसिस पे वो विजिट करता था. बट वेन मिसेज डी रोप केम टू नो ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट. लेकिन जब मिसेज डी रोप को उसके इन्वॉल्वमेंट का पता चला इन द टूल शेड में, शी पुट रिस्ट्रिक्शन. उसने पाबंदी लगा दी ऑन हिज विजिट टू डैट प्लेस, उस जगह पर जाने के लिए. तो उसने उस जगह पर जाने के लिए उसके ऊपर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी. बट कॉनरेडन कैप्ट ऑन विजिटिंग द टूल शेड. लेकिन कॉनरेडन जो है वो टूल शेड को विजिट करता रहता सीक्रेटली, चोरी छुपे. ही वॉज मच डिप्रेस्ड. वो बहुत परेशान था एट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज डी रोप. मिसेज डी रोप के सख्त ट्रीटमेंट पर. ही वॉज हेल्पलेस. वो बेबस था बेचारा. वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे. वो मिसेज डी रोप पर डिपेंड करता था. तो डैट्स वे वो हेल्पलेस था. द वुमन विजिटेड द चर्च वंस अ वीक. और खातून जो है चर्च में हफ्ते में एक बार जाया करती थी. एंड शी टुक कॉनरेडन विद हर. और वो कॉनरेडन को भी साथ ले जाती. लेकिन कॉनरेडन जो है उसकी जो चर्च सर्विसेज थी ना, वो जो संडे के संडे उसको साथ लेके जाती थी, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था. बल्कि वो इसको एक फजूल सी रस्म अपने जहन में करार देता था, एक अजनबी सी रस्म करार देता था मिसेज डी रोप का ये जो चर्च में जाके सर्विसेज करने को. क्योंकि वो असल सर्विसेज ये समझता था कि उस श्रेडिंग वास्टर को जो कि वो गॉड का दर्जा देता है, सो दैट्स वे वो उसे जो है वो इंपॉर्टेंस देता है. बट कॉन्टेंडेंट कॉल्ड हिज गार्डियंस चर्च सर्विसेज. लेकिन वो अपनी उस सरपरस्ते आला की यानी मिसेज डी रोप की जो चर्च सर्विसेज थी उसे करार देता था एन एलियन राइट, कि ये कोई अजनबी सी रस्म अदा करती है इन द हाउस ऑफ रिमन, इस मुकदस घर में. ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट. वो दिलचस्पी नहीं लेता था इन द चर्च सर्विसेज. ही वॉज टोटली अब्जॉर्ब्ड. वो मुकम्मल तौर पर खोया रहता था, गुमसुम रहता था इन हिज ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में. रादर बल्कि ऑन एवरी थर्सडे, हर जुमेरात की जुमेरात, ही वर्शिप द फेरेट. वो फेरेट की जाके पूजा किया करता था जिसका नाम उसने श्रेडिंग वास्टर रखा हुआ था. बिकॉज ही कंसिडर्ड हिम, क्योंकि वो उसे समझता था जस्ट लाइक गॉड, एक देवता की तरह. ही कंसिडर्ड श्रेडिंग वास्टर. वो श्रेडिंग वास्टर को समझता था हीदन गॉड, एक हीदन गॉड ऑफ वायलेंस यानी तशद्दुद का, जैसे वो देवता हो. और चूंकि ये जानवर फरोशियस होते हैं, खूनखार होते हैं, देखने में भी खूनखार रखते हैं, और इनकी जो किलिंग्स जो होती हैं वो भी किल करने का जो अंदाज़ होता है वो भी फुल ऑफ वायलेंस होता है. तो दैट्स वाई उसने इसको एक हीदन गॉड ऑफ वायलेंस करार दिया है, कि श्रेडिंग वास्टर उसके नज़दीक ऐसा था. वन डे इन हर एग्रेशन. एक दिन अपने गुस्से के आलम में, अपनी जारहियत में, मिसेज डी रोप सोल्ड द हाउडन हैन. उसने हाउडन हैन को फरोख्त कर दिया.
अब ये पहली चीज़ थी जो इंटरेस्ट का बाइस थी उस बच्चे के लिए, लेकिन मिसेज डी रोप ने उसको फरोख्त कर दिया। इट वाज अ वेरी शॉकिंग पीस ऑफ न्यूज़ फॉर कॉनेडन, और ये कॉनेडन के लिए बड़ी ही एक शॉकिंग न्यूज़ थी, बड़ी सदमा पहुंचाने वाली खबर थी। ही फियर्ड, उसे ये भी डर पड़ गया, उसे ये भी खदशा था दैट शी माइट डिप्राइव हिम ऑफ द फेरेट ऑल्सो, कि वो उसे फेरेट से महरूम कर देगी। ये डिप्राइव का मैंने महरूम करना होता है। ही बेग द फेरेट, उसने फेरेट से एक दिन फिर इल्तजा की टू टेक रिवेंज ऑफ द क्रूअल एक्शंस ऑफ मिसेज डी रोप, कि मिसेज डी रोप के जो जालमाना इकदाम हैं, स्टेप्स हैं, वो जो एक्शंस करती है उसका बदला ले। ही हैड बिन कॉन्टीन्यूसली रिक्वेस्टिंग श्रेडिंग मास्टर, वो मुसलसल श्रेडिंग मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था टू टेक रिवेंज इन हिज साइलेंट प्रेयर्स, अपने खामोश खामोश दुआओं में वो बदला लेने की इल्तजाएँ करता वहाँ पर नजर आता है। वन डे शी वेंट टू द टूल शेड, एक दिन वो टूल शेड में चली गई टू रिमूव द फेरेट ऑल्सो, फेरेट को भी हटाने के लिए। कॉनेडन वॉज मच डिसअपॉइंटेड, कॉनेडन जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। बट सून ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ मिसेज डी रोप्स किलिंग, लेकिन जल्दी उसने खबर सुनी कि मिसेज डी रोप की किलिंग हो गई है एट द हैंड्स ऑफ श्रेडिंग मास्टर, श्रेडिंग मास्टर के हाथों। हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे श्रेडिंग मास्टर ने उसका बदला ले लिया है, और उसकी जो बदला लेने की जो दुआ थी वो सारी की सारी कबूल हो गई है, और वो जब मिसेज डी रोप उसको मारने के लिए गई तो वो खुद उसका शिकार हो गई। वैन द मेड वॉज लाउडली अनाउंसिंग, जब घर के जो नौकरानी थी वो ऊंची आवाज़ में ऐलान कर रही थी द डेथ ऑफ वुमेन, उस खातून की मौत का। कॉनेडन वॉज ईटिंग द टोस्ट जॉयफुली, और कॉनेडन जिंदगी में पहली बार सुकून से बैठ के खुशी के आलम में नाश्ता कर रहा था, टोस्ट खा रहा था। ही वॉज फीलिंग नो ग्रीफ एट वॉट हैड हैपेंड टू मिसेज डीरो, और उसे कोई भी दुख नहीं था जो कुछ भी मिसेज डीरो के साथ हुआ था। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये समरी के बाद मैंने आपके लिए इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो तरतीब दिए हैं, आप इनको भी देख लीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्रिटिकल एनालाइज द करेक्टर कॉनेडन द स्टोरी श्रेडिंग वास्टर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि श्रेडिंग वास्टर जो है आप उसका करेक्टर जो है वो एनालाइज कीजिए। ये कहानी का मेन किरदार है बेटे श्रेडिंग वास्टर, तो आइए बेटे इसका विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है हम इसका करेक्टर करते हैं। कॉनेडन जो है इज 10 ईयर्स ओल्ड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का ये 10 साल एक बड़ा किरदार है। वैसे तो उम्र में बेचारा छोटा ही है, लेकिन वो एक यंग प्रोटैगनिस्ट है। ही इज़ एन इनोसेंट बॉय, वो एक मासूम लड़का है, बट ही सफरिंग फ्रॉम सम फेटल डिजीज, लेकिन वो किसी जानलेवा बीमारी में मुबतला है। इवन ए प्रोफेशनल डॉक्टर हैड प्रेडिक्टेड, तक एक पेशा वराना डॉक्टर ने भी ये प्रेडिक्शन किया है दैट द बॉय वुड नॉट लिव अनदर 5 ईयर्स, कि लड़का अगले 5 साल भी जिंदा नहीं रहेगा, यानी अगले 5 साल तक वो जिंदा नहीं रहेगा। नथिंग हैज बीन टोल्ड अबाउट द पेरेंट्स ऑफ कॉनेडन, कॉनेडन के वालदन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया स्टोरी कहानी में। ही इज लिविंग अंडर द गार्डियनशिप ऑफ मिसेज डी रोप, वो मिसेज डी रोप के जरिए निगरानी रह रहा है। हु इज़ हिज कज़न, जो कि उसकी कज़न भी है। ऐसी वॉज वेरी अथॉरिटी, वो बड़ी बारूप खतून थी, इनफ्लेक्सीबल, गैर लचकदार थी, एंड डोमिनेटिंग। तो ये तीनों क्वालिटीज़ आप मिसेज डी रोप के करेक्टर की आप याद रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉनेडन हेटेड हर डेस्परेटली, कॉनेडन जो है उसे शिद्दत की हद तक नफरत करता था। एंड इट वॉज ड्यू टू द हार्श ट्रीटमेंट, और ये वजह उसका हार्श ट्रीटमेंट था, यानी उस मिसेज डी रोप का जो ट्रीटमेंट था वो हार्श था। मिसेज डी रोप शुड हैव ट्रीटेड हिम, मिसेज डी रोप को उसे ट्रीट करना चाहिए था विद अफेक्शन, मोहब्बत के साथ, कीपिंग इन व्यू हिज इलनेस, उसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए। बट शी ऑलवेज ऑप्रेस्ड हिम, लेकिन वो हमेशा उसके ऊपर जुल्म करती। शी ऑलवेज इंटरप्टेड हिज एक्शंस, वो हमेशा उसके एक्शंस को इंटरप्ट करती, रुकावट डालती और उसमें, एंड फ्री मोमेंट्स, और उसके फ्री मोमेंट्स के अंदर भी मुदाखलत करती। सो नेक्स्ट देखें, इन वन कॉर्नर ऑफ द टूल शेड, टूल शेड के कोने में लिव्ड रैग्ड रैग्ड प्लूमेज हाउडन हैन, एक हाउडन हैन रहती थी। बिसाइड दिस देर वॉज अ केज ऑफ ए लार्ज पोल कट फेरेट, और एक पिंजरा जो था उसमें एक पोल कट फेरेट पिंजरे में उसको रखा गया था। ये दो ही चीज़ें उसकी इंटरेस्ट की बाइस थी। कॉनेडन शोड मच अफेक्शन फॉर द हैन, वो मुर्गी के लिए बहुत शफकत, मोहब्बत और लगन लगाव रखता था। दो द फेरेट वॉज फरोशियस, अगर जो फेरेट भी बहुत फरोशियस था एंड डेडफुल और खौफनाक था। येट ही बिगेन टू आइडियलाइज द फेरेट, लेकिन उसने फेरेट को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई द फेरेट, वो फेरेट से इस कदर मुतासर था दैट ही नेम द फेरेट एज श्रेडिंग वास्टर, कि उसने उसका नाम एक देवता के नाम श्रेडिंग वास्टर पर रख दिया। ही वॉज ए रेगुलर विजिटर ऑफ द टूल शेड, और वो टूल शेड बाकायदगी से जाने वाला था। बट वेन मिसेज डी रोप केम टू नो हिज इन्वॉल्वमेंट इन द टूल शेड, और जब मिसेज डी रोप को पता चला कि ये बच्चा जो है उसमें जाता है, टूल शेड में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, शी पुट रिस्ट्रिक्शन, तो उसने पाबंदी लगा दी उन्हें विजिट टू डैट प्लेस, उस जगह पर जाने के लिए। बट कॉनेडन कैप्टन विजिटिंग द टूल शेड सीक्रेटली, लेकिन कॉनेडन ने सीक्रेटली यानी चोरी छुपे जो है वो चर्च में जाना जारी रखा, सॉरी टूल शेड में जाना जारी रखा। ही वॉज मच डिप्रेस्ड, वो बहुत मायूस था एट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज डी रोप, मिसेज डी रोप के सख्त रवैये पर। ही वॉज वेरी हेल्पलेस, लेकिन बेचारा वो बेबस था। नेक्स्ट देखते हैं,
कॉन्स्टेंट लाइफ इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट इंटरनल कन्फ्लिक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला जो पैसेज मैंने पढ़ा है वो समरी में भी तकरीबन सेम ही था, लेकिन ये एक नई चीज़ आपके लिए, इसको जरा बड़े ध्यान से देखिएगा। कॉन्स्टेंट लाइफ इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट इंटरनल कन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टेंट की जो लाइफ है वो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट से दुचार है, यानी उसके अंदर एक जंग लगी है, उसके जहन में कश्मकश से लगी है जिससे बेचारा वो दुचार है। ही हैज बीन पिक्चर्ड एज एन इनवर्ल्ड रेबल, और उसे पिक्चर किया गया, उसे दिखाया गया, पिक्चर का मैंने यहाँ दिखाया गया है एज एन इन वर्ल्ड रेबल, के वो एक अंदर से एक बागी बन चुका है, वो बगावत करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रेबल अगेंस्ट हिज हार्श ट्रीटमेंट, और वो अपने हार्श ट्रीटमेंट मिसेस डी रोप, यहाँ पे ऑफ भी है। ही वॉन्ट्स टू रेबल अगेंस्ट द हार्श, ये पे हिज नहीं, यहाँ पे दा लगा लीजिएगा, हार्श ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस डी रोप। ओइंग टू हर हार्श ट्रीटमेंट, उसके हार्श ट्रीटमेंट की वजह से ही फियर्स, उसे खदशा है। क्या खदशा है ज़रा सुनिए, मार्कर से लिखेगा पेपर में, जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो ये जो रेड लाइन जो हैं ये आपके चूँकि टेक्सचुअल लाइन में से ली गई हैं, तो आप इसको पेपर में आप मार्कर वगैरह से इसको हाईलाइट कीजिएगा। दैट ही वुड दैट ही वुड ग्रो इवन मोर सिक, लेकिन वो और भी बीमार हो जाएगा अंडर द पेस्टरिंग, तंग करने वाले एंड डोमिनेटिंग और रोप डालने वाले एंड सुपीरियर विजडम, और वो जो अपने आप को वो सुपीरियर विजडम वाली औरत समझती है, अपना दिमाग आलीशान समझती है, इस वजह से वो कहता है कि वो तो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। कॉन्स्टेंट इज रेबेलियस, कॉन्स्टेंट बागी है, ही सिलेक्ट्स वर्शिप इन हिज ओन वे, वो अपने ही तरीके से सिलेक्शन कर बैठा है कि उसने वर्शिपिंग कैसे करनी है, वो उसके साथ नहीं जाता चर्च सर्विसेज में प्रॉपर तरीके से तवज्जो के साथ। ही डज नॉट वॉन्ट टू अटेंड द बोरिंग चर्च सर्विसेज, और वो चर्च सर्विसेज को बोरिंग समझता है, वो अटेंड नहीं करना चाहता, विच हिज कज़न मिसेज डी रोप फेवर, जिसकी मिसेज डी रोप जो फेवर करती है। ही कॉल्स हिज गार्डियंस चर्च सर्विसेज, वो उसकी अपने गार्डन की चर्च सर्विसेज को समझता है एज एन एलियन राइट इन द हाउस ऑफ रिमन, कि जैसे उस मुकदस घर में क्योंकि अजनबी सी गुरा समाधा हो रही हो। ही इज लॉस्ट इन हिज ओन इमेजिनेशन, वो अपने ख्याल में गुम है। ही शोज हिज इंटरेस्ट इन हिज वर्शिप ऑफ श्रेडिंग वास्टर, और वो अपनी दिलचस्पी जाहिर करता है श्रेडिंग वास्टर की वर्शिपिंग, होम ही कंसिडर्स एज हीदन गॉड, जिसे वो अपना एक गॉड, एक अपना देवता समझ बैठा है। एवरी थर्सडे, हर जुमेरात की जुमेरात, इन द डिम एंड मस्टी साइलेंस ऑफ द टूल शेड, वो टूल शेड की मस्टी साइलेंस में, यानी खामोशी और डिम सी खामोशी में बैठ के, ही वर्शिप विद मिस्टिक एंड एलेबरेट सेरेमोनियल, और बड़े ही वो पूजा करने वाले अंदाज में वहाँ पे बैठ जाता है सूफियाना अंदाज के साथ, या पे लफ्ज़ जो है मिस्टेक इस्तेमाल किया गया है सूफियाना अंदाज के साथ, एंड इलेबरेट सेरेमोनियल, और बड़ा अपने एक जैसे एक पूरी एक सरबनी इबादत की सरंजाम दे रहा हो, बिफोर द वुडन हच, उस लकड़ी वाले हच के सामने, वेयर डवेल्ट श्रेडिंग मास्टर, जहाँ पे श्रेडिंग मास्टर क्याम पजीर था। दिस आल्सो शोज हिज डीप डिवोशन फॉर द फेरेट, तो इससे ये भी पता चलता है कि उसकी डीप डिवोशन है उस न्योले के लिए, यानी उस फेरेट के लिए। सो ये कॉन्स्टेंट का करेक्टर था स्टूडेंट्स। अब हम मिसेस डी रोप का करेक्टर जो है ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। राइटर करेक्टर ऑफ मिसेस डी रोप, मिसेस डी रोप का करेक्टर है, ये मैंने आपको सारी बातें तकरीबन बताई हैं, ये पीछे क्वेश्चंस में गुजर गई हैं, तो आइए थोड़ा सा इसको ब्रीफली देख लेते हैं। मिसेस डी रोप इज कॉन्स्टेंट्स कज़न, मिसेस डी रोप जो है कॉन्स्टेंट की कज़न एंड गार्डियन है। शी इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, इनफ्लेक्सिबल एंड डोमिनेटिंग, ये तीन क्वालिटीज ही आप इसके जहन में रखें उसके किरदार की, कि वो अथॉरिटेटिव है यानी रोप डालने वाली है, इनफ्लेक्सिबल है यानी गैर लचकदार है, और डोमिनेटिंग है और गलबा पा के रखने वाली है, यानी वो प्रेशराइज करके रखना चाहती है। कॉन्स्टेंट हेटेड हर डेस्परेटली, और कॉन्स्टेंट उसे शिद्दत से नफरत करता है, एंड इट इज़ ड्यू टू द हार्श ट्रीटमेंट, और ये उसके हार्श ट्रीटमेंट की वजह से है। मिसेज डी रोप शुड हैव ट्रीटेड हिम विद अफेक्शन, मिसेज डी रोप को उसे तो मोहब्बत से पेश आना चाहिए था, कीपिंग इन व्यू हिज इलनेस, उसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए, बट शी ऑलवेज ओप्रेस्ड हिम, लेकिन हमेशा उसको बड़ा जुल्म करती थी। एज शी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एट, और यहाँ पे ये मैंने लाइनें टेक्स्ट में सबकी ली हैं, आप इसको मार्कर से लिखिएगा और इसको जरूर याद कीजिएगा। मैं आपको इसके लिए ना उर्दू की ट्रांसलेशन कर देता हूँ और वजाहत कर देता हूँ। रिप्रेजेंटिंग 3/5 ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसकी जो दुनिया थी, यानी उस लड़के की जो दुनिया थी, उसमें से 5 में से तीसरा हिस्सा तो किसने काबू किया हुआ था, उस पर किसका एक कंट्रोल था, वो मिसेस डी रोप का था। दैट इज़ नेसेसरी एंड डिसएग्रीएबल एंड रेड, तो ये वो समझती थी कि ज़रूरी भी है, अगर चाहिए नापसंदीदा था, और उसके हवाले से वो अपने जहन में बस उसको रीड आउट करती थी कि यही है, तो उस बच्चे के जहन में यही आता था कि उसने उसकी माइंड का जो 3/5 है उस पर उसने काबू किया हुआ है। इन कॉन्स्टेंट्स लाइफ, वेयर एज कॉन्स्टेंट इज लेफ्ट विद ओनली 2/5, जबकि उसके पास सिर्फ बाकी 2 हिस्से ही बाकी बचे थे फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन इमेजिनेशन, और अपने अपने ख्यालात के लिए। मिसेस डी रोप वाज वेरी अग्रेसिव, मिसेस डी रोप बहुत जारहा मिजाज थी, जारहाना मिजाज डाली थी। शी ऑलवेज इंटरप्टेड हिज एक्शंस, वो हमेशा उसके एक्शंस को इंटरप्ट करती इन फ्री मोमेंट्स को। व्हेन शी नोटिस्ड कॉन्स्टेंट्स एक्सेसिव इंटरेस्ट,
और जब उसने देखा कि वो कॉन्डिडेंट जो है वो ज़रूर से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है एन इन्वॉलमेंट और इन्वॉलमेंट कर रहा है इन द टूल शेड में, ऐसी इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम बाई सेंग, तो उसने उसके ऊपर ये कहा कि पाबंदी लगा दी। चूंकि वो बीमार था तो मिसेज डी रोब के पास एक बहाना था उसको वहाँ से रोकने के लिए, तो उसने क्या कहा, इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम टू पॉटिंग डाउन देयर इन ऑल वेदर्स, कि वो हर तरह के मौसम में वहाँ आता जाता फिरे, अटकेलियाँ करता फिरे, ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक बहाना है मिसेस डीरो की तरफ से जो वो यूज़ करती है। ऐसी बस वो अग्रेसिव, वो इतनी जारहाना मिजाज वाली थी, दैट शी एट फर्स्ट कि एट फर्स्ट शी सोल्ड दी हाउडन हैंड, पहले उसने हाउडन हैंड फरोख्त कर दी, होम कॉनरेड एंड लव्ड सो मच, जिसे कॉनरेड इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था। वैन शी सा दैट कॉनरेड विजिट्स टू द टूल शेड डिड नॉट स्टॉप, और जब उसने देखा कि कॉनरेड के जो विजिट्स हैं वो जो दौरे हैं और वहाँ पे जो विजिट करता है सैर सपाटे हैं वो रुके नहीं हैं टूल शेड की जानब, शी अनाउंस्ड हर डिसीजन, तो उसने अपने फैसले का ऐलान कर दिया बाय सेइंग, उसने क्या कहा, वट आर यू कीपिंग इन द लॉक्ड हच, के तूने इसे ताला लगे हच में केज में क्या रखा हुआ है, आई बिलीव इट इज़ गुनिया पिग्स, मेरे ख्याल में ये कोई घटिया किस्म के सूअर तूने को पाला हुआ है, आई हैव दम ऑल क्लियर वे, मैं इन सबको यहाँ से निकाल दूंगी। तो ये मिसेस डी रोब ने एक बार फिर धमकी लगाई है, पहले उसने उसकी मुर्गी को तलफ किया है और क्लियर किया है, और अब उसने इस फेरेट को भी क्लियर करने की बात कर दी। मिसेस डी रोब इज़ वेरी केयरलेस, मिसेस डी रोब बहुत केयरलेस है, ये इसके किरदार की एक खसूसियत है कि मिसेस डी रोब बहुत केयरलेस थी, और केयरलेस होने की वजह से उसने कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किए और वो न्योले के पिंजरे केज की तरफ चली गई, जिसकी वजह से उसका उसके ऊपर अटैक हो गया और उसकी जान ले ली उस फेरेट ने। शी गोज टू द टूल शेड टू क्लियर वे द पोल कैट फेरेट, और वो पोल कैट फेरेट को हटाने के लिए गई विदाउट प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट्स, उसने कोई प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए थे, देयर फॉर शी बिकम्स विस्ट विक्टम ऑफ फेरेट्स फिरोशियस अटैक, लिहाजा वो उस फेरेट के जो खून खार हमला था उसका शिकार हो गई। इसके कुछ थीम्स जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स वीडियो के एंड पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी स्टेडन वास्टर, कहानी स्टेडन वास्टर का थीम क्या है, तो इसके दो तीन थीम हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं, आइए देखते हैं। द स्टोरी इज रिटन बाय साकी, कहानी को साकी ने लिखा है, इस कैरेक्टर का नाम है, हु इज़ अ ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि एक बरतानवी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज डील सोसाइटी, और इसकी ज़्यादातर कहानी जो सोसाइटी को डील करती हैं। इन द स्टोरी स्टेडन वास्टर, कहानी स्टेडन वास्टर में वी ऑल्सो सी दैट ही हैज़ क्रिटिसाइज सोसाइटी, कि उसने माशरे को क्रिटिसाइज किया है। चिल्ड्रन इनोसेंट, बच्चे मासूम होते हैं, एंड दे आर नॉट रिवेंज फॉर, वो बदला लेने वाले बेसिकली होते नहीं हैं, बट द रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन माशरे का जो गलत ट्रीटमेंट है प्रोड्यूसेस द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, वो नफरत के जज्बात पैदा कर देता है, रिवेंज बदले के जज्बात पैदा कर देता है, एंड वायलेंस और तशद्दुद के जज्बात पैदा कर देता है इन दम, उन बच्चों में। चिल्ड्रन लर्न टू हेट, बच्चे नफरत करना सीख लेते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू शुरू में दे डू नॉट हैव सच नेगेटिव फीलिंग्स, उनके कोई मनफी जज्बात या फीलिंग्स नहीं होते इन द माइंड, उनके जहन में। दिस इज वट वो सी इन द स्टोरी, यही चीज़ हम इस कहानी में देखते हैं। द यंग कॉनरेड इज फोर्स्ड, नौजवान कॉनरेड जो है वो मजबूर है टू लिव अंडर द गार्डनशिप ऑफ मिसेस डी रोब, मिसेस डी रोब के जरिए निगरानी रहने पर। शी इज़ वेरी अथॉरिटेटिव, मैं बार बार बेटे बता रहा हूँ कि मिसेस डी रोब का जब भी जिक्र आएगा तो आप ये तीन ही उसके फीचर जो हैं वो बयान करेंगे उसके किरदार के, एक तो वो अथॉरिटेटिव है, दूसरा वो इनफ्लेक्सिबल है, तीसरा वो डोमिनेटिंग है। कॉनरेड हेट्स आर डेस्परेटली, कॉनरेड उससे बहुत नफरत करता है, एंड इट इज़ ड्यू टू हार्श ट्रीटमेंट, और ये उसके हार्श ट्रीटमेंट की वजह से है। मिसेस डी रोब शुड हैव ट्रीटेड हिम विद अफेक्शन, मिसेस डी रोब को मोहब्बत से पेश आना चाहिए था, कीपिंग इन व्यू हिज इलनेस, उसकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए, बट शी ऑलवेज ओप्रेसेस हिम, लेकिन उसे हमेशा दबा के रखती है। शी ऑलवेज इंटरप्ट्स हिज एक्शंस एंड थ्री मोमेंट्स, कॉनरेड हैज़ बीन केप्ट अंडर प्रेशर बाई मिसेस डी रोब, और कॉनरेड को प्रेशर में रखा गया है मिसेस डी रोब की जानब से। द बॉय फाइंड सोलेस, लड़के को सुकून मिलता है एंड प्लेयर, और राहत मिलती है, खुशी मिलती है बाय विजिटिंग द टूल शेड, उस टूल शेड में जाकर, इन द नेगलेक्टेड पोर्शन ऑफ द हाउस, जो कि घर के एक नेगलेक्टेड पोर्शन में हिस्से में वाक़ है। देर आर टू थिंग्स ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी की दो चीज़ें हैं वहाँ पे, इन द टूल शेड, उस टूल शेड में। इन वन कॉर्नर ऑफ द टूल शेड के कोने में लिव्ड हाउडन हैंड, एक हाउडन हैंड को रखा गया था। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अनदर केज कंटेन्स, एक और पिंजरा है जिसमें है एक पोल कैट फेरेट। कॉनरेड शोज मच अफेक्शन, कॉनरेड बहुत मोहब्बत दिखाता है फॉर द हैन मुर्गी के लिए एंड फॉर द फेरेट, और फेरेट के लिए। दो द फेरेट वॉज फिरोशियस, अगर जो फेरेट फिरोशियस था एंड ड्रेडफुल और खौफनाक था, येट ही बिगेन टू एडालाइज द फेरेट, लेकिन उसने फेरेट को एडालाइज करना शुरू कर दिया। इज सो इम्प्रेस्ड बाई द फेरेट, वो फेरेट से इस कदर मुतासर है, दैट ही गिव्स द फेरेट द नेम ऑफ स्टेडन वास्टर, कि वो उसको स्टेडन वास्टर का ही क्या दे देता है, नाम दे देता है। ही इज़ रेगुलर विजिटर ऑफ द टूल शेड, वो टूल शेड का रेगुलर विजिटर है, बट वन मिसेज डी रोब कम्स टू नो ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब मिसेज डी रोब को उसके इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है द टूल शेड, शी पुट्स रिस्ट्रिक्शन, तो वो पाबंदियाँ लगा देती है
ऑन हिज विजिट टू दैट प्लेस, उस जगह पर जाने के लिए। बट कॉन्टेंडेंट कीप्स ऑन विजिटिंग द टूल शेड, लेकिन वो टूल शेड को सीक्रेटली जाना वहाँ पे जारी रखता है। ही इज सो डिप्रेस्ड एट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज डीरोप, कि वो मिसेज डीरोप के सख्त रवैये से इतना ज़्यादा डिप्रेस है, दैट ही बिगेंस टू डिवेल्प द फीलिंग्स ऑफ हेटरेड एंड रिवेंज, कि उसके मन में नफरत के जज्बात और बदले के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ही रियर्स, वो पालता है इल्विश, बुरी ख्वाहिशें फॉर हर, उसके लिए अपने दिल में वो बुरी ख्वाहिशें रखने रख जाता है, पालता है उनको, रियर का मैंने पालना होता है। ही इवन बिगेंस टू प्रे टू पोल कैट फेरेट, बल्कि वो पोल कैट फेरेट, वो जो न्यौला है जिसको वो एक देवता का दर्जा देता है, वो उससे भी खामोश खामोश दुआएं करना शुरू कर देता है। होम गिव द स्टेटस ऑफ हिडन गॉड, जिसे वो हिडन गॉड का दर्जा देता है। इवेंचुअली हिज विश इज फुलफिल्ड, तक आखिर में उसकी फिर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। एंड मिसेस डी रूप्स किलिंग, और मिसेस डीप की जो किलिंग है वो वाक्य हो जाती है, टेक्स प्लेस वाक्य हो जाती है एट द हैंड्स ऑफ द फ्रोशियस पोल कैट फेरेट। अब एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो भी पेपर में आ सकता है, कि आयरनी, ये एक लिटरेरी टूल है कि श्रेणी वास्तव की कहानी में आयरनी पाई जाती है। आयरनी क्या होती है, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। आयरनी ये है कि जब आप एक एक्सपेक्टेशन क्या हो आपकी, लेकिन हो क्या जाए, यानी आप एक्सपेक्ट तो कुछ कर रहे थे और लेकिन हो कुछ और गया, तो ये आपकी क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेशन, और जो आपके जो जो रियलिटी है और जो कुछ हो जाता है उसका जो बाहमी फ़र्क होता है, जो दरमियानी फ़र्क होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। ये एक लिटरेरी टूल है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, आयरनी इज लिटरेरी टर्म, आयरनी एक लिटरेरी टर्म है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी एक्सपेक्ट, यानी जो फ़र्क है जो हम सोचते हैं, एंड व्हाट हैपन्स, और जो कुछ हो जाता है, इसका आयरनी, वो आयरनी कहलाती है। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, हकीकत में क्या था और एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी, उसका जो बाहमी फ़र्क है, इज कॉल्ड आयरनी, वो आयरनी कहलाती है। दिस डेफिनेशन ऑफ आयरनी, आयरनी की जो डेफिनेशन इज एप्लीकेबल टू दिस शॉर्ट स्टोरी, वो शॉर्ट स्टोरी पे एप्लीकेबल है। वी कैन गिव सम इलस्ट्रेशंस ऑफ आयरनी, आयरनी के कुछ मसाले दे सकते हैं फ्रॉम द स्टोरी अंडर डिस्कशन जेरे बेथ स्टोरी से। फर्स्टली वी वर एक्सपेक्टिंग ग्रेटर केयरिंग, हम तो बहुत ज़्यादा तवज्जो कर रहे थे ना कि वो केयरिंग एटीट्यूड अपनाएगी और लविंग एटीट्यूड अपनाएगी मिसेज डी रोप, जब उसको पता चलेगा कि बच्चा बीमार है, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हो कुछ और गया, वो तो उल्टा और सख्त हो गई। और मिसेज डी रोप आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कॉनेडन्स फेटल डिजीज, जब मालूम हुआ कि कॉनेडन को एक फेटल डिजीज़ है, बट वी नोट मोर एग्रेशन, लेकिन हम ज़्यादा जा रही है देखते हैं इन आर एटीट्यूड, उसके रवैया में। द डॉक्टर हैड प्रेडिक्टेड, डॉक्टर ने पेशेंट को की थी दैट द बॉय वुड नॉट लिव अनदर 5 ईयर्स, कि लड़का अगले 5 साल जिंदा नहीं रहेगा। मिसेज डी रोप शुड हैव ट्रीटेड हिम, मिसेज डी रोप को उसको ट्रीट करना चाहिए था विद अफेक्शन, मोहब्बत के साथ, कीपिंग इन व्यू हिज इलनेस, उसकी इलनेस को मद्देनजर रखते हुए, बट शी कंटिन्यूड ऑपरेसिंग हिम, लेकिन उसको पर जुल्म करना, दबाव के रखना, दबा के रखना जारी रखा। सेकंडली वी सी दैट कॉनेडन हैड बीन कॉन्स्टेंटली इम्प्लोरिंग, के कॉनेडन जब मुसलसल इल्तजा करता रहा था श्रेडिंग वास्टर से टू टेक रिवेंज, के बदला ले ले। ये फन चांटेड द वर्ड्स, अक्सर लफ्ज गुनगुनाता, ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े लाइन आप लिखिएगा, कि डू वन थिंग फॉर मी श्रेडिंग वास्टर, कि श्रेडिंग वास्टर, ऐ श्रेडिंग वास्टर, मेरा एक काम कर दो, यानी वो एक काम क्या था कि वो मिसेज डी रोप को चाहता था कि वो मर जाए। ही हैटेड मच फेथ, ही हैड मच फेथ, वो बहुत ज़्यादा यकीन रखता था दैट इज विश वुड बी फुलफिल्ड, कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी बाय श्रेडिंगर की जानब से। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ही स्टार्टेड लूजिंग हिज फेथ, उसका यकीन वैसे थोड़ा सा हिल रहा था, वो कम होता जा रहा था, और जब उसका यकीन लोएस्ट लेवल पे था, तो उसी लेवल पे उसी टाइम जो है वो उस न्योले ने, यानी उस फेरेट ने मिसेस डी रोप की जान ले ली, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ज़रा कम हो रही थी, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही हो गया। ही हैड बिकम ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड, वो तकरीबन मायूस हो चुका था, व्हेन ही सीज़ द वूमैन मिसेज डी रोप गोइंग टू द टूल शेड, और जब वो मिसेज डी रोप को टूल शेड में जाते हुए देखता है, ही बिलीव दैट गॉड वुड नॉट फुलफिल हिज विश, के ऐसे लगता है कि जैसे वो देवता जो है उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, यानी यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बस मैं तो दुआएं कर करके थक गया हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, लेकिन वो पूरी हो गई। बट क्वाइट आयरोनिकली, लेकिन बिल्कुल आयरोनिकली हम देखते हैं, व्हेन हिज फेथ इज एट द लोएस्ट, कि जब उसका जो उसका यकीन सबसे कम दर्जे पे होता है, हिज विश इज ग्रांटेड, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। सो हियर वी नोट आयरोनिकल सिचुएशन, लिहाजा हमें यहाँ पे आयरनी की मिसालें नजर आती हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये जितना भी ये मटेरियल है ये आपके लिए मैंने तरतीब दिया है, और नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी अभी सेंड कर दूंगा, साथ अरेंज कर देता हूँ आपको, अगर आप ये नोट्स वहाँ से निकालना चाहें तो वहाँ से आप इनको
नोट्स को आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने आपके साथ समरी डिस्कस की है, इसके बाद समरी के बाद फिर मैंने दो करेक्टर मिसेस डी यूरोप का करेक्टर और कॉन्ड्रेडन का करेक्टर डिस्कस किया है, और फिर इसका एक इंपॉर्टेंट थीम जो है वो डिस्कस किए हैं, और तीस एंड पे फिर मैंने इसका जो चौथा सवाल है वो आयरनी का डिस्कस किया है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। एलएलबी पार्ट टू इंग्लिश के पेपर में ये डिटेल्ड वीडियो है, पहले पोर्शन में मैंने इसको लाइव आपके साथ डिस्कशन किया है, और फिर मैंने लाइन बाय लाइन आपके लिए तर्जमा जो है वो डिस्कस कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।